नमस्कार जो आज फिर से आ गए हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तो आज फिर से हम लोग जा रहे हैं लोहरदगा पंडाल देखने के लिए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। बहुत अच्छा अच्छा पंडाल आपको देखने को मिलेगा। और अभी आज हम हैं फोर व्हीलर से, तो चलिए चलते हैं। ब्लॉग में बने रहिए लास्ट तक। तो अभी हम पहुंच चुके हैं पहला पंडाल, जो आपका बक्सी डिपा से पहले और छत्तर बगीचा से आगे, बीआईडी से थोड़ा सा आगे आपको पड़ता है। ये पेट्रोल पंप के सामने है। आप देख सकते हैं यह पंडाल पीले कलर में कितना आकर्षक लग रहा है। इस पूरा पंडाल का व्यू ऊपर में पताका लहराते हुए आप देखिए, सामने माँ दुर्गा की प्रतिमा जो आपको दिखाई देगा। अब फिर हम चलते हैं अगला छत्तर बगीचा, बहुत ही सुंदर पहाड़ी के बीच में रावण का मुखौटा और सीने पे दांत राक्षस के दिखाई दे रहे होंगे। और सामने फुलवारी लगाया गया एक छोटा सा, आप देख सकते हैं बहुत ही आकर्षक तरीके से इस पंडाल को बनाया गया। यह छत्तर बगीचा का पंडाल है। अब अगला चलते हैं हम मिशन चौक। मिशन चौक का पंडाल भी कोई ख़राब नहीं था। ये भी आप देख सकते हैं काफ़ी बारीकी से कार्य किया हुआ है और बहुत ही सुंदर तरीके से इस पंडाल को भी अट्रैक्टिव ढंग से सजाया गया है। अब चलते हैं अगला पंडाल आपको दिखाते हैं चलते चलते में। यह आपका महावीर चौक से पहले और मिशन चौक के बीच में यह पंडाल आपको देखने को मिलेगा छोटा सा। अब हम चलते हैं महावीर चौक का पंडाल, जो काफ़ी आकर्षक रहा 2022 में। देख सकते हैं यह केदारनाथ के प्रतिमा को लेकर उसी मंदिर के आधार पर बनाया गया है। केदारनाथ टेंपल को ही यहां पर बनाया गया है, आप देख सकते हैं। और यहां लाइन पर खड़े होकर हमारे माताएं एवं बहनों प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। और पंडाल भी काफ़ी अट्रैक्टिव ढंग से, इसकी जो दीवार बनाई गई है पत्थरनुमा कलर सेम टू सेम उसी तरह का बनाने का कोशिश किया गया है। और ये जो पंडाल है यह आपको महावीर चौक का पंडाल है। अब देख सकते हैं नंदी की भी प्रतिमा बनाई गई है, जैसे आपको केदारनाथ में देखने को मिलेगा। अब यहाँ के मंदिर के अंदर चलते हैं और आपको माँ दुर्गा की प्रतिमा का दर्शन कराते हैं। आप देख सकते हैं माँ दुर्गा की प्रतिमा, काफ़ी श्रद्धालु तस्वीर ले रहे हैं, वहाँ का आशीर्वाद ले रहे हैं। अब हम चलते हैं बरवा टोली की ओर। और बरवा टोली में एक आकर्षक मंदिर बनाया गया है। जो मंदिर बना हुआ है उसके नीचे एक छोटा सा पंडाल, मंदिर पहले से बना हुआ है और वहीं पे पूरा पृथ्वी का ये बनाया गया है, जिसके ऊपर दुर्गा माँ सवार हैं। और यहाँ राक्षस के वध का प्रतिमा को दर्शाया गया है। और इस मंदिर का नाम है मनोकामना सिद्धि दुर्गा मंदिर, जो काफ़ी आकर्षक है, लोहरदगा में देखने के लायक मंदिर है। और इस मंदिर के नीचे ये छोटा सा पंडाल, जिसे पृथ्वी का आकार दिया गया है और उसके ऊपर दुर्गा माँ की प्रतिमा है, जो महिषासुर का वध करते हुए दिखाया गया है। और यह गगनचुम्बी इमारत जो माँ दुर्गा का मंदिर है। अब हम चलते हैं अगला अपर बाज़ार हनुमान मंदिर के अंदर घुस के, जो शहीद चौक है वहाँ पर एक बनाया गया है। यह भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा दिखाई गई है इस पंडाल के ऊपर। अभी हम पंडाल के पास पहुँचते हैं, फिर आपको दिखाते हैं किस तरह का पंडाल यह। यह भी काफ़ी अट्रैक्टिव है, कारीगरों ने काफ़ी कुशलता के साथ इन पंडालों पर कार्य किया है और अपनी कार्य क्षमता को दिखाने का प्रयास किया। आप देख सकते हैं इतना सुंदर, और सामने आपको माँ की प्रतिमा दिखाई देगी इस मंदिर के अंदर, इस पंडाल के अंदर। और श्रद्धालु यहाँ भी आकर अपना आशीर्वाद ग्रहण करते हुए, इसके बाद हम लोग आगे के क्रम में चलेंगे हटिया गार्डन की ओर। जस्ट इसी रोड पर आगे आपको मिल जाएगा हटिया गार्डन, जहाँ पर पंडाल
बनाया गया है, पर पंडाल के जस्ट ऊपर आप देख सकते हैं जो आसमान नुमा आकृति बनाई है ठीक उसके नीचे और पहाड़ के ठीक ऊपर माँ जरासंध का वध करते हुए लाइव टेलीकास्ट किया जाना है यहाँ पर, जो रात के समय यह शो शुरू होगा। और यह भी काफ़ी अट्रैक्टिव देखने को मिलेगा आपको। अब हम चलते हैं थाना की ओर। लोहरदगा थाना के थाना परिसर के अंदर भी एक मनमोहक पहाड़ नुमा गुफा का पंडाल बनाया गया है, जो देख सकते हैं आप काफ़ी सुंदर। भगवान शिव इसके ऊपर विराजमान है और पूरी पहाड़ी पर डमरू और त्रिशूल के आकृति बने हैं, और इसी में गुफानुमा प्रवेश द्वार है जिसके अंदर से जाकर आप माँ की प्रतिमा का दर्शन कर सकते हैं। तो देखिए, यह भी काफ़ी आकर्षक का केंद्र रहा है 2022 में। अब हम आगे की ओर चलते हैं और यहाँ के सोमार बाज़ार में एक छोटा सा पंडाल का नमूना जिसमें भी माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की गई है। अब हम चलते हैं और चल चलते आपको दिखाते हैं आगे। और ये पंडाल जो आपको सामने लाइटिंग वाली नज़र आ रही है, यह पंडाल है लोहरदगा बस स्टैंड का, जिसे साइडिंग भी कहा जाता है। यहाँ का पंडाल काफ़ी अट्रैक्टिव, सामने में फव्वारा लगाया गया है और बहुत ही सुंदर ढंग से इस पंडाल को भी सजाया गया है। आप देख सकते हैं सामने में किस तरह की लाइटिंग की व्यवस्था की गई है, खिड़कियों में लाइटिंग है जो इस पंडाल को काफ़ी अट्रैक्टिव दिखाने का कोशिश कर रहा है। हालांकि उतना शाम नहीं हुआ था इसलिए लाइट का आनंद हम नहीं ले पाए और आपको भी नहीं दिखा पाए, फिर भी जहाँ जो मिला यहाँ पर फव्वारा, इस फव्वारा का नमूना, एक छोटा सा नमूना आपको हम दिखाते हैं। ये चालू हुआ नहीं पर चालू होने वाला है। आप देख सकते हैं फव्वारा भी काफ़ी सुंदर तरीके से चलता हुआ आपको नज़र आएगा। अब चलते हैं आगे ब्लॉक की ओर। और यहाँ पर ब्लॉक का लाइटिंग आप देख सकते हैं काफ़ी सुंदर लाइटिंग किया गया है। हल्का हल्का शाम होने चला है इसलिए लाइटों को जला दिया गया। इससे पहले जो भी पंडाल हम आपको दिखाए वहाँ पर अंधेरा नहीं होने की वजह से लाइट नहीं जल पाई थी। और अभी हम यहाँ पर पहुँच गए हैं ब्लॉक, जो लोहरदगा ब्लॉक है वहाँ पर पहुँचे हैं। वहाँ का पंडाल, जितने भी हम पंडाल आपको दिखा रहे हैं, यह सब लोहरदगा में काफ़ी प्रसिद्ध पंडाल हैं। और सबसे अट्रैक्टिव यहाँ का पंडाल में से रहा है केदारनाथ का मंदिर, जो महावीर चौक पे बनाया गया है। और छत्र बगीचा का जो आप लोगों ने देखा, जो मेरे हिसाब से अच्छा लगा है, और आप लोग भी अपना अपना राय कमेंट में दे सकते हैं। सामने देखिए हाथी का लाइटिंग किया गया है। यह है ब्लॉक मोड़ लोहरदगा का पंडाल। देख सकते हैं पंडाल कितना सुंदर है। पंडाल दिखाने के आखिरी कड़ी में लोहरदगा के पतरा टोली का पंडाल है यह। और आज के ब्लॉग में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद ब्लॉग में लास्ट तक बने रहने के लिए। और आप नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपको फिर से एक बार हम धन्यवाद देना चाहेंगे ब्लॉग में लास्ट तक बने रहने के लिए।